हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीसीई के बारे में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। सो फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। सो द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। हमारे एजुकेशन का मेन एम क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। इवैल्यूएशन नॉट बी लिमिटेड टू एकेडमिक एरिया ओनली, कि जो भी हम चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हैं वो सिर्फ एकेडमिक एरिया पे ही ना रह जाए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इसे हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड बना सकते हैं। सो इसमें है अचीवमेंट इन एकेडमिक एरिया, कि बच्चा किस तरह से एकेडमिक एरिया में अचीव कर रहा है, और सेकेंड ग्रोथ इन पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, उसका इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल। सो दोनों ही एरिया को कवर किया जाता है। सो जैसे कि हम फर्स्ट आपका स्टेप क्या होता है, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं लर्नर्स को, उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव्स को चेक किया जाता है। थर्ड, अगर कोई शॉर्टफॉल होती है तो उसको रेमेडी दी जाती है। एंड फोर्थ इज कॉन्टिन्यूस रिव्यू लिया जाता है टाइम टू टाइम। सेकेंड कॉन्सेप्ट में आपका सेकेंड पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। सो फोकस ऑन ओनली स्कॉलास्टिक एरिया। तो देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसमें सिर्फ स्कॉलास्टिक एरिया पे ही फोकस किया जाता है, नॉन स्कॉलास्टिक एरिया को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर अनफुलफिल्ड, इसलिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अनफुलफिल्ड होते हैं। सो नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसलिए जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, जिसमें हम स्कॉलास्टिक और नॉन स्कॉलास्टिक एरिया दोनों को ही कवर करते हैं। इट इंक्लूड्स पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, इंटरेस्ट मीन्स बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, लिटरेसी, आर्टिस्टिक या म्यूजिकल। थर्ड, हेल्थ स्टेटस क्या है, हाइट, वेट, क्लीनिनेस। फोर्थ, डिजायरेबल एटीट्यूड्स जैसे कि डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म। फिफ्थ, प्रोफिशिएंसी इन कोकरिकुलर एक्टिविटीज, कि बच्चा किस एक्टिविटी में ज्यादा प्रोफिशिएंट है उसको और ज्यादा डेवलप करना। थर्ड है इसका कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन क्या है। सो प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट्स टिल द डिजायरेबल चेंज टेक प्लेस। तो जब तक हमें डिजायरेबल चेंज नहीं मिल जाता बच्चे के अंदर, तब तक हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता रहता है और उसे टाइम टू टाइम रेमेडी दी जाती है। कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लर्निंग सिस्टम व्हाइल इट इज इन अ प्रोग्रेस। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जब हमारा लर्निंग सिस्टम प्रोग्रेस में होता है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन डाटा रेगुलरली अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको रेगुलरली डाटा ऑब्टेन करना उसके लिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट करेक्ट इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स। तो जो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना। सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सीसी। सो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस में नीड की बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। सो फर्स्ट इज टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ एकेडमिक एरिया पे ही फोकस करते हैं, तो इसको रिमूव करना, इसके डिफेक्ट्स को। सेकंड, टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो इवैल्यूएशन है उसको हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटेग्रल पार्ट बनाना। थर्ड, टू मीट द डिमांड्स ऑफ वेरियस सजेशन, अलग अलग जो हमारी पॉलिसीज है उनकी अलग अलग डिमांड्स को पूरा करना, जैसे कि कोठारी कमीशन 1966, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, एनसीएफ 2005 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इनके डिमांड्स को पूरा करना। फोर्थ, स्पेसिफिक रीजंस फॉर नीड ऑफ सीसीई, कि सीसीई की जरूरत क्या है। सो फर्स्ट इज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बच्चों का स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करना। टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उस रेट को भी कम करना। थर्ड, टू ग्रेटर फोकस ऑन लर्निंग, फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, ज्यादा लर्निंग पे होना चाहिए। इम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिफ्थ, टू हेल्प डेवलप स्किल, बच्चों की स्किल को डेवलप करने में हेल्प करना। टू डी इम्फोसाइज मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन को डी इम्फोसाइज करना। टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, कि बच्चों की अगर कोई भी वीकनेस है उसको ठीक करना। टू मेक टीचिंग लर्निंग लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बनाना, ना कि टीचर सेंटर्ड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
ये एक तरह का रिफॉर्म है, चेंज है हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम में, इवेल्युएशन सिस्टम में। सेकंड, रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के स्ट्रेस को कम करता है। थर्ड, इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। फोर्थ, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फिफ्थ, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, बच्चा इससे अपने सब्जेक्ट को चॉइस कर सकता है, खुद से सेलेक्ट कर सकता है। सिक्स, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, इससे हम जो टीचर की स्ट्रेटजीज है टीचिंग की उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सेवन्थ, आइडेंटिफाइफिकेशन ऑफ वीकनेस, स्ट्रेंथ, नीड्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, इन सब से बच्चों की सारी चीज़ों का पता लगाना इसका काम होता है। नेक्स्ट, इसके मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन रेगुलर असेसमेंट, इसकी वजह से हमारा रेगुलर असेसमेंट होता है, इसमें हेल्प करता है। सेकेंड, टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, कि हम बच्चों के लिए टीचिंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव बना सकें। इट सर्व्स टू डायग्नोस वीकनेसेस, जो बच्चों की वीकनेसेस हैं उसको डायग्नोस करना। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है। फिफ्थ, चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे बच्चे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं। इट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, तो बच्चों का बार बार इवेलुएशन होता है, इससे बच्चे अपनी लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों को मोटिवेट मिलता है कि वो अपनी स्टडी हैबिट्स को और ज़्यादा अच्छा करें। सेवन्थ, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच मोर इम्फेसिस इज रिक्वायर्ड, तो ये उस एरिया को डिटरमाइन करता है जहाँ पर हमें ज़्यादा इम्फेसिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत है कि बच्चों को ये चीज़ दोबारा कराई जानी चाहिए। एट्थ, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई चेंजेस इन एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड वैल्यू, कि बच्चे में किस तरह का चेंज आया है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। नाइन्थ, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर, कि आपके बच्चों के आने वाले फ्यूचर को उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि बच्चों किस कोर्स में जाना चाहिए। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि बच्चों की कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट इज, स्टूडेंट्स आर टेकिंग स्टडीज कैजुअली, कि जो बच्चे हैं स्टडीज को ज़्यादा कैजुअली लेने लग गए हैं, वो इसको सेकंड चीज़ मानते हैं कि उनके लिए प्राइमरी चीज़ है ही नहीं। सेकंड, ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम मींस, देखिए जो बच्चे अगर 90 से 100 तक स्कोर करते हैं उन सबको ए ग्रेड दिया जाता है। अब जिसके बच्चे 90 है मार्क्स उसको भी ए दिया जा रहा है, 99 वाले को भी ए ग्रेड दिया जा रहा है, तो इससे हम जजमेंट नहीं पता लगा सकते कि कौन सा बच्चा 90 डिजर्व करता है और कौन सा बच्चा 100 मार्क्स डिजर्व करता है। थर्ड, टू मच टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा टाइम लिया जाता है और जो बच्चों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फोर्थ, स्टूडेंट्स टू बिजी इन कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट वर्क, जो बच्चे होते हैं हमेशा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने में बिजी होते हैं, उनके पास रीडिंग करने का टाइम नहीं होता है। फिफ्थ, स्टडी होल ईयर, बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, उनके रेस्ट करने का टाइम भी नहीं होता है। सिक्स्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म इन एग्जाम बाय स्कूल टीचर्स, तो देखिए जो इवेल्युएशन करते हैं वो टीचर्स ही करते हैं स्कूल के, तो इससे जो फेवरेटिज्म है बच्चों के, जो टीचर्स ज़्यादा जिनको पसंद करते हैं, उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो ज़्यादा ग्रेड दे सकते हैं। सेवन्थ, फॉर प्रोजेक्ट्स ओनली इंटरनेट, मीन्स अगर बच्चों को बार बार प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इससे जो बच्चे हैं वो खुद से नहीं करेंगे उसे, मीन्स उसे इंटरनेट के जरिए ढूंढेंगे और इसे कर लेंगे, इससे बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, उन्हें आउटसाइड नॉलेज नहीं मिलेगी। एट्थ, पोटेंशियल फॉर इनकंसिस्टेंसीज, तो इसमें इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है। नाइन्थ, पोटेंशियल फॉर प्रेजडाइज, इससे बायसनेस हो सकती है किसी तरह की। टेंथ, एफर्ट फॉर पास्ट इफेक्ट ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि बच्चे की जो हिस्ट्री है उससे बनती जाती है कि बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या उसकी अचीवमेंट रही है पूरी, इस तरह से जो बच्चा हैगा वो आगे भी उसी तरह से उसको देखकर परफॉर्म करेगा, उसकी हैबिट बन जाएगी, तो ये इसकी लिमिटेशन है।